न्यूज़, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुंबई, महाविकास आघाड़ी में भ्रष्टाचार था, विकास कार्य नहीं हो रहे थे, कार्यों में बाधा आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं ने कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। सरकार ने योजनाओं को अच्छे तरीके से लागू किया तो लोगों की जिंदगी बदल गई। शिंदे फडणवीस की सरकार ने राज्य में विकास के काम किए। भारत में अत्यधिक गरीब व 1% से भी कम है। समाज के सभी लोगों के विकास के लिए इन योजनाओं को ठीक से लागू किया जाए। पहले भी योजनाएं बन रही थी लेकिन वह लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। 25 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के खाते में गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बटन दबाते ही और पैसा लाभार्थी के खाते में चला जाता है। 2014 से पहले महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती थी, अब इससे सुधार हुआ है। महात्मा फुले जन आरोग्य योजना इसी सरकार ने प्रदेश में लागू की थी, करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 करोड़ घरों में शौचालय और नल लगवाए। कोरोना के कारण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश आर्थिक तंगी में आ गए लेकिन भारत के पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। महाविकास आघाड़ी में भ्रष्टाचार था, विकास कार्य नहीं हो रहे थे, हर काम में बाधा आ रही थी। अब ये काम डबल इंजन की सरकार में तुरंत हो रहे, लोगों को न्याय मिल रहा है। जेपी नड्डा की महाविकास आघाड़ी को आलोचना, नड्डा ने उद्धव ठाकरे की सरकार में भ्रष्टाचार की आलोचना की। जेने यह भी कहा कि महाविकास आघाड़ी के कई कामों में बाधा डालती है जेपी नड्डा की आलोचना। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जेपी नड्डा जहां भी जाते हैं वहां बीजेपी हार जाती है। राहुल बोले, महाराष्ट्र आने पर अब हम करेंगे उनका स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे के बीच शिवसेना पार्टी के नेता संजय राउत ने हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणामों की पुष्टि बुधवार को कटाक्ष किया। नड्डा जहां भी जाते हैं वहां भाजपा हार जाती है। उनके इस बयान पर भाजपा विधायक नीतीश राणे ने पलटवार करते हुए राउत पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर निशाना साधते तथा प्रशासन को सरकार के खिलाफ उकसाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में हम नड्डा का स्वागत करते हैं, राउत रानी ने दावा किया। ये सब शहरी नक्सलियों के लक्षण है। गौरतलब है कि भाजपा को हाल में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, जहां कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की। वहां राउत ने नासिक में संवाददाताओं से कहा, नड्डा कर्नाटक में अपना पार्टी का प्रचार के लिए हटे लेकिन वह हार गई, अब वह महाराष्ट्र आ रही है, हम उनका स्वागत करते हैं। जहां भी वह जाते हैं भाजपा हार जाती है। नड्डा बुधवार से 2 दिन की महाराष्ट्र की यात्रा पर है। इस दौरान वह प्रदेश भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा अध्यक्ष पर राउत का निशाना, राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर निशाना साधते हुए राउत ने दावा किया कि दल बदलना उनका शौक है और पेशा भी है। राज्य में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके वह सदस्य नहीं है। पिछले साल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार ने पतन के कारण उपजे शिवसेना विवाद पर अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने 11 मई को कहा कि वह तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहालती है क्योंकि उन्होंने विश्वास मत का सामना किया, बिना इस्तीफा देने का फैसला किया था। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। निवेशकों की मदद के लिए योगी सरकार ने बनाए उद्यमी मित्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में निवेशकों के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करने और हल करने के लिए कुल 105 उद्यमी मित्र नियुक्त किए हैं। उद्यमी मित्र का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद किया गया। इन्वेस्ट यूपी की वेबसाइट पर जाकर और उद्यमी मित्र सेक्शन पर के परिणाम डाउनलोड किए जा सकते हैं। सभी 105 उम्मीदवारों को जिला निवेश यूपी कार्यालय और मुख्यालय में तैनात किया जाएगा। गौरतलब है कि सीएम योगी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को कार्यवर्त में तेजी लाने के लिए उद्यमी मित्रों की भर्ती कराने का निर्णय लिया था।
औद्योगिक विकास विभाग के अधीन कार्यरत नोडल संस्था इवेंस यूपी द्वारा नियुक्त की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ अधिकारियों की वाली स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्राप्त आवेदन के सत्यापन के बाद एक लिखित आयोजित की गई थी। 16 अप्रैल को परिणाम घोषित किए गए, जिसमें 350 उम्मीदवारों का चयन किया। चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार 18 अप्रैल को शुरू हुआ और 8 मई तक चला। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर अमेज़न न्यूज़टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंक ट्विटर हाईकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.amaznewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही अमेज़न न्यूज़टी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।